हेलो एवरीवन, वी आर हियर एट द आरआई एक्सपो डे 1. टुडे वी हैव विद अस मिस्टर कैप्टन ईश्वर ढोलकिया, एमडी एंड फाउंडर गोल्डी सोलर. सो सर, माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू वुड बी, कुड यू शेयर द स्टोरी बिहाइंड हाउ योर गोल्डी सोलर जर्नी बिगन? मैडम नमस्ते, आपको वेलकम करता हूं. और गोल्डी सोलर के बारे में अगर मैं बात करूं, स्टार्टिंग में हमने 2011 में हम लोगों ने स्टार्ट किया और यही हमारी बातें थी कि भाई हमें गोल्डी सोलर को एक नेशन को कुछ देना है, पूरे एनवायरनमेंट, पूरे वर्ल्ड को, जो रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत बड़ा स्कोप भी है, और ऐसा काम करना है कि जो उसमें कोई नॉइज भी ना हो, कोई पॉल्यूशन भी नहीं हो और एनवायरनमेंट को हेल्प करे. तो उसी और अच्छी भावना से हम लोगों ने ये 2011 में हम लोगों ने स्टार्ट किया. और आज हमारा जो 3 गीगावाट का कैपेसिटी है और अगले आने वाले समय में, अभी एक साल के अंदर हमारा 14 गीगावाट का कैपेसिटी हो जाएगा. और मशीन भी हम लोगों ने ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है और आने की मशीन शुरू भी हो गई और इंस्टॉलेशन का भी काम शुरू हो गया है. सर, आप अपने प्रोडक्ट रेंजेस के बारे में कुछ बताना चाहेंगे और आप किस तरह से अपने कंपटीटर से डिफरेंट हैं इस इंडस्ट्री में? प्रोडक्ट की बात करें तो वी आर द इंडियास नंबर 1 सोलर क्वालिटी सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर. हमारी जो सिस्टम है पहले से रही है कि ये 13 सालों के अंदर हम लोगों ने 6-6 महीने एक एक साल में हम लोगों ने जो नया नया जो टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुआ पूरे वर्ल्ड में, उसको हम लोगों ने अडॉप्ट किया और हमारी कंपनी में वो लगाते रहे. उससे क्या हुआ कि हम लोग पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में क्वालिटी के में नंबर 1 रहे. आज आप बात करें तो अभी जो नया, जो रिसेंटली जो 14 गीगावाट का जो लाइन आ रहा है, उसमें भी हम लोगों ने AI टेक्नोलॉजी का यूज किया है. उससे क्या होगा कि ह्यूमन जो भूल होती है वो नहीं आएगी और कंप्यूटर से पूरा क्वालिटी का जायजा होगा और उससे अच्छी क्वालिटी सोलर मॉड्यूल बनेगी. और हमारी जो टीम है वो वेल ट्रेन है. 14 सालों से हमारे जो इंजीनियर्स है वो हमारे साथ में है और इतने टेक्निकल लोग है कि जब भी COVID-19 हुआ था उस टाइम पर भी हम लोगों ने नया लाइन लेके आए थे. उस टाइम पर भी हमारी टीम ने बिना एनी फॉरेनर्स इंजीनियर के, बिना हमारा लोगों ने खुद की लाइन को खुद के हमारी टीम ने लगाकर रैंप अप किया था और हाईएस्ट प्रोडक्शन को लेके आए थे. तो ये गोल्ड की विशेषता है. ग्रेट सर. सो सर, आप अपने एक्सपेंशन प्लान्स के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? एक्सपांशन के बारे में मैं बताऊंगा, बहुत खुशी की बात है आज इंडियन इंडस्ट्री के लिए कि आज इंडिया का इतना बड़ा ग्रोथ हो रहा है वर्ल्ड में. हमारे जो प्रधानमंत्री जी है उन्होंने बोला कि भाई मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, लोकल फॉर वोकल, एंड जो स्किल डेवलपिंग की जो बात की है वो बहुत बड़ी है और सराहनीय है. उनके लिए सरकार ने और नरेंद्र भाई ने बहुत बड़ा काम किया गवर्नमेंट में उनके साथ में जुड़कर, क्योंकि एक देश को, एक नेशन को बिल्ड करने के लिए, सबका साथ सबका विकास करने के लिए ऐसे बिजनेसमैन भी चाहिए और ऐसे गवर्नमेंट का सपोर्ट भी चाहिए. तो हम लोगों ने अभी जो एक्सपेंशन काम इसलिए हो रहा है कि हमारे पास डिमांड है, हमारे अच्छे अच्छे क्लाइंट्स है, बड़े बड़े डेवलपर और हमारे 15 साल पुराने जो हमारे क्लाइंट है उनका बहुत सपोर्ट रहा है. और वो आज खुशी की बात है कि हम आज 3 गीगावाट को लेकर अभी हम 14 गीगावाट तक जा रहे हैं और अभी एक साल के अंदर ये 14 गीगावाट का प्लांट शुरू हो जाएगा. मशीन आने शुरू हो गई है और AI टेक्नोलॉजी के साथ में काम करने से बहुत बढ़िया काम होने वाला है. और मैं बात करूँ कि सोलर सेल आज इंडिया में DCR सेल की बहुत डिमांड है. गवर्नमेंट्स के सारे प्रोजेक्ट DCR आ रहे हैं. तो आपको सुनो कि भाई इंडिया में जो बना हुआ सेल होगा वो उसमें हमें यूज करना है. हमारे पास उसकी भी बहुत भारी मात्रा में ऑर्डर है तो उसको क्लाइंट को सर्व करने के लिए हम लोगों ने 4 गीगावाट का
सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग का प्लान किया है और उसके लिए हम लोग फेस वाइज करेंगे, पहले 2 गीगावाट प्लान करेंगे उसके बाद 2 गीगावाट। तो जो 2 गीगावाट की जो लाइन अभी लगने वाली है ये 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा काम। और हमारी टीम को, क्योंकि टीम के बिना मैं कुछ काम करता नहीं हूँ, टीम मेरी बहुत स्ट्रांग है और टीम ने बोला कि सर 1 साल लगेगा, तो मैंने बोला नहीं, क्योंकि मेरा नेचर थोड़ा एग्रेशन वाला भी है और टीम को विश्वास में लिया और मैंने बोला कि हम 6 महीने के अंदर हम लोगों इनको रैंप अप कर देना है। तो हम जनवरी 2025 से हम लोग लाइन लगाना शुरू करेंगे और 6 महीने के अंदर पूरा प्लांट कंप्लीट करके इंस्टॉलेशन कर देंगे और 6 महीने बाद हम लोग प्रोडक्शन निकालना शुरू कर देंगे। उसके बाद हम लोग और 2 गीगावाट लगाने वाले हैं, तो टोटल हमारा 4 गीगावाट सोलर सेल लाइन लगने वाला है। और दूसरी बात कि हम लोग ईपीसी में भी है, ईपीसी का भी बिजनेस अच्छा डिमांड है, अच्छी क्वालिटी का काम करते हैं। अब तक तो हम गुजरात स्टेट में खाली काम करते थे, अभी हमारी टीम हमने एक्सपांशन किया है, अच्छी अच्छी टीम में लोग आए हैं, तो हम अभी पूरे पूरे भारत में अभी गोल्डी सोलर का ईपीसी का भी प्लान शुरू हो गया है। सर एक्सपेंशन प्लान्स के साथ साथ आप सीएसआर इनिशिएटिव्स में भी काफी आगे हैं, तो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? देखिए आपने बहुत ही अच्छी बात की है कि सीएसआर में गोल्डी क्या कर रहा है। हमारे जो बुजुर्ग है हमारे परिवार में सीएसआर का तो पहले से रहा है, क्योंकि सीएसआर से ही आपका बिजनेस बढ़ता है, सीएसआर से ही सबका भला भी होता है। जैसे कि भगवान ने हमें शक्ति दी कि आप सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग करो, तो हम लोगों ने क्या किया कि लास्ट 2 साल में सीएसआर का बहुत बड़ा काम किया। उसमें जो महत्व की बात करूं तो हम लोगों ने 2 गांव को हमारे परिवार ने अडॉप्ट किया। गोल्डी सोलर ने हमारा डांग जिला में चिखलदा गांव करके है, पूरा गांव को सोलराइज किया। उसमें सबसे महत्व की बात है कि सबका बिल 0 तो हो गया, मगर इतना वहां पर एनर्जी को लेकर इतना प्रभाव हुआ कि आजू बाजू के गांव वाले लोगों ने बोला कि हमारे जो नया जनरेशन आ रहा है उनको आपकी फैक्ट्री में काम करने आना है, हमें भी आपके मिशन के साथ में जुड़ना है। तो बहुत अच्छा काम भी हुआ और जो पैसे जो बच रहे हैं वो उनके बच्चे का एजुकेशन में यूज हो रहा है, उनकी लाइफस्टाइल चेंज करने में यूज हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ रहा है सोसाइटी के ऊपर सीएसआर के थ्रू। और हमारा जो गांव दुधेला गांव है उसमें भी पूरा गांव हमारे परिवार ने सोलराइज किया, उसमें गोल्ड सोलर के मॉड्यूल लगे हुए, ईपीसी काम भी पूरा हमारा टीम ने किया। इतना सुंदर काम हुआ है कि पूरे इंडिया में उसका आज ब्रांडिंग हो गया कि भाई गोल्डी सोलर एसआरके ग्रुप ने उनका गांव अपने पैसों से सोलराइज किया। और वहां भी एक चीज ये हुई बड़ी कि गांव को सोलराइज करने से पूरा गांव का बिल 0 हो गया और उनको इनकम शुरू हो गया, और वो पैसा जो बचने लगा और इनकम से क्या हुआ कि उनको आर्थिक मदद मिलने लगी, एजुकेशन में यूज होने लगा, ट्रैवलिंग में जो यूज करने लगे, बच्चों के लिए लैपटॉप लेने लगे। ऐसा बहुत सारा काम सीएसआर के थ्रू हुआ, तो गांव में पैसे की बचत होने लगी। और अगर जितने भी इंडस्ट्रीज इंडिया में है अगर वो लोग एक एक गांव जो भारत का अडॉप्ट कर ले तो मेरे को लगता है कि सरकार का काम बहुत आधा हो जाएगा। और सीएसआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अभी सबकी है, क्योंकि हमने हमारे को अगर दिया है भगवान ने तो उसमें से 10% तो सोसाइटी के लिए हमें यूज करना चाहिए, वो उनको बैक टू द सोसाइटी बहुत बड़ा मैसेज है। और आज गोल्डी सोलर पूरे भारत वर्ष में एनर्जी कंपनी एक ही ऐसी है कि जो सीएसआर को बहुत बिलीव करती है और सोलर के थ्रू भी सीएसआर करती है। मैं आपको दूसरी बात भी एक बोलूं सीएसआर में, बीच में जो भूखलन हुआ था उसमें जो माइनर्स थे उनके घरों के छत पर भी हमने भाई अनाउंसमेंट किया। हम लोगों ने फिर जो अपना जो ओलंपिक्स हुआ उसमें भी जो लोग जीत के आए उनके भी घर के छत के ऊपर हमने प्लान किया।
तो न खाली सोलर एनर्जी पर हम लोग सीएसआर को लेकर एक मैसेज पूरे वर्ल्ड को दुनिया को देना चाहते हैं कि एनर्जी को यूज किया जाए, हमारे देश में इतना अच्छा सूर्य प्रकाश आता है, उनके थ्रू सबकी उन्नति हो, ये मैसेज भी पहुंचे और सब लोग ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी यूज करें, वो मैसेज पहुंचाने के लिए सीएसआर के थ्रू हम लोग काम कर रहे हैं। इस बार हम लोगों ने सबसे पहले भारत में जो लॉन्च किया 640 का टॉपकॉन का प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया है, आगे वाले समय में इससे भी अच्छी अच्छी प्रोडक्ट हम लोग लॉन्च करने वाले, अंडर द R&D है और अंडर द सर्टिफिकेशन के लिए भी चल रहा है, और हम लोगों ने जो टेक्नोलॉजी जो भी वर्ल्ड में आ रही है नई सारी टेक्नोलॉजी का हमारे यहाँ खुद का R&D सेंटर भी है, हमारी खुद की भी लैब है, उसमें हम लोग R&D करते हैं, हमारी लैब में जो इक्विपमेंट है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, चाइना की भी है, जर्मनी की भी है, और यूरोपियन टेक्नोलॉजी से हमारा पूरा R&D भी होता है और उससे हम लोग ये नए नए टेक्नोलॉजी बनाते रहते हैं। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे कंज्यूमर्स को ताकि वो सोलर एनर्जी को अडॉप्ट करें और आगे इस्तेमाल करें। हाँ, मैं एक चीज बीच में मैं बोला भूल गया कि ये जो स्किल डेवलपिंग की जो बात है, आज गोल्डी अदर मैन्युफैक्चरर से अलग क्यों है, तो हमारा जो मेन पावर है वो 100% स्किल डेवलपिंग से आते हैं, हमारा जो खुद का जो गोल्डी सोलर फाउंडेशन एंड L&T का जो फाउंडेशन है, SRK नॉलेज फाउंडेशन है, और जो हमारे जो गुजरात की जितनी भी ITI है उनके साथ में भी हम लोगों ने एग्रीमेंट किए हैं, और तो और हम लोगों ने जो भारत सरकार का जो नेशनल स्किल डेवलपिंग सेंटर उनके साथ में भी हमने MOU किया है, तो आप देखेंगे तो हमारा गुजरात सरकार के भी साथ हमारा जो गुजरात सरकार कौशल्य यूनिवर्सिटी उनके साथ में भी हमने MOU किया है, तो गोल्डी का एक एक आदमी, एक एक एम्प्लॉय, एक एक फैमिली मेंबर वो स्किल सोलर के रिलेटेड डेवलपिंग करके सीख कर वो आते हैं, उससे क्या होगा कि हमारी क्वालिटी के ऊपर बहुत बड़ा इम्पेक्ट पड़ रहा है, तो अदर कंपनी से हम अलग क्यों है, यही है हमारा कि हमारा खुद का स्किल डेवलपिंग सेंटर है और स्किल डेवलपिंग में हम खूब बिलीव करते हैं, तो मेन पावर हमारा 100% स्किल वाला है। और दूसरी बात की आपने जो बोला कि फ्यूचर क्या है इंडिया में बिजनेस के लिए, तो मैं बात करूं कि आज भारत में गवर्नमेंट का तो इतना अनाउंसमेंट है ही, जो प्रधानमंत्री जो योजना है, बाकी ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं कि उसमें इतना बड़ा डिमांड आने वाला है, इतना बड़ा काम होने वाला है, और आज इंडस्ट्री इंडिया में ग्रो हो रही है क्योंकि इंडिया इज नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग हब इन द वर्ल्ड, चाइना के बाद देखेंगे तो आप इंडिया ही है, इतना बड़ा यंग पॉपुलेशन है, तो यंग पॉपुलेशन के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है, पूरे दुनिया के नए नए जो मशीन, नए नए टेक्नोलॉजी इंडिया में आ रही है, इंडिया में भी इतना सारा R&D हो रहा है, हमारे जो साइंटिस्ट है वो भी इतने सारे टेक्नोलॉजी इतना सपोर्ट कर रहे हैं देश को, तो इसके लिए सबसे बड़ी महत्व की बात है कि इतना सारा एनर्जी का डिमांड आने वाला है सोलार में, तो उससे सोलार की जो खपत है वो ज्यादा है, उसके सामने मैन्युफैक्चरिंग इतने यूनिट नहीं है, और इसलिए गोल्डी सोलार भी इसमें अग्रेसर होकर फ्रंट लाइन में रहकर इतना 14 GW का प्लांट डालने जा रहे हैं, और आगे भी 4 GW का भी प्लान अभी हम आज से नया सोच रहे हैं, तो टोटल तो बहुत ज्यादा 18 GW भी हो जाएगा, और फिलहाल हमारा एम है 14 GW को हम लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और आगे जाकर इतना ह्यूज डिमांड आने से पूरे भारत में सोलर ही होने वाला है, तो फ्यूचर बहुत अच्छा है और बढ़िया काम होने वाला है, और अच्छा काम होने से देश को भी फायदा और पूरे सामाजिक और एनवायरमेंट को भी बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम टुडे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।